कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे विदेशी बाजारों के बारे में, आज जानेंगे घरेलू मार्केट में, लोकल मार्केट में क्या कीमतें देखी जा रही हैं, क्या आप बाजारों में आज आप रेट देखकर चल सकते हैं, सोया पाम वनस्पति में आज क्या कीमतें देखी जा रही है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ वीडियो में आज आप एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले विदेशी बाजार के बारे में बात करते हैं। तो विदेशी मार्केट में कल के दिन भी बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई। इस चीज़ का जो इफेक्ट रहा वो घरेलू मार्केट में काफ़ी हद तक देखा गया। भारत सरकार द्वारा ड्यूटी की अवधि को बढ़ाने और पाम तेल की डिमांड निकलने की वजह से केएलसी में अच्छी खासी बढ़त आज के दिन देखी गई। पाम तेल की मांग में सुधार और भारत के मौजूदा शुल्क ढांचे को एक साल तक बढ़ाने के कारण केएलसी काफ़ी ऊँचा खुला है। 1 से 15 जनवरी के दौरान मलेशिया पाम तेल निर्यात में बढ़ोतरी को भी सहारा काफ़ी हद तक मिल रहा है। भारत सरकार ने वर्तमान आयात शुल्क संरचना को एक साल के बढ़ा दिया है, जो केएलसी के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। इस कदम के बाद मलेशिया पाम तेल की मांग निरंतर बरकरार रहेगी, इसलिए केएलसी मजबूती दिखा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की फंडामेंटल मजबूत फंडामेंटल जो हैं वो अनुसरण करते रहेंगे। उद्योग जगत को चुनाव के बाद ड्यूटी बढ़ाने की उम्मीद भी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। भारतीय स्थानीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतें स्थिर रहने का अनुमान है, हालांकि ऊंचे स्तर पर मांग थोड़ी कमजोर बताई जा रही है। अब विदेशी बाजारों को देखते हुए घरेलू मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो लोकल मिलों में निचले स्तर से काफी अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। और मार्केट में अगर आज के बारे में बात करते हैं तो बाजार में ऑलरेडी काफ़ी तेजी आ चुकी है। वनस्पति में 15 लीटर का 15 किलोग्राम का जो रेट है वो 1455 चल रहा है। पामलिन में 15 किलोग्राम कीमतें 1480, 1 लीटर पामलिन का रेट 87 रुपये देखा गया है। सोया ऑयल में 15 किलोग्राम कीमतें 1565, 1 लीटर सोया ऑयल का रेट 96 रुपये। फॉर्चून कीमतें 15 लीटर में 1580, 1 लीटर फॉर्चून का रेट 110 देखा गया। पेस्टोरस में सोया रिफाइंड में 1 लीटर कीमतें 94 रुपये रही। पामलिन में 1 लीटर का रेट 84 रुपये देखा गया। बिनौला में 10 किलोग्राम कीमतें 870 रही। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 940 रुपये देखा गया। ग्राउंडनट ऑयल में यानी मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम का रेट 1570 रुपये देखा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो राइस ब्रांड कीमतें 81 रुपये, सोया ऑयल का रेट 97 रुपये रहा, सोया डीओ कीमतें 95 रुपये देखी गई। मस्टर्ड का रेट उत्तर प्रदेश में 107 रहे देखा गया। एक्सपोर्ट कीमतें 105 रही और पामलिन का रेट बाजार में आप 87 रुपये देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड आपको हाईली पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है। निचले स्तर से काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार देखा गया। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इस वक्त आज तेज़ी नहीं दिखी गई है, दाम स्थिर हैं और रेट काफ़ी अच्छा है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप बाज़ारों में गिरावट पर खरीदारी करके ज़रूर चलिए। ऊपरी स्तर पर अपना प्रॉफिट भी टाइम टू टाइम बुक कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में कैसा देखा जाएगा खाद्य तेल के बाज़ार में कारोबार और विदेशी मार्केट कैसे रह सकते हैं, किस तरह से खाद्य तेल बाज़ारों में सोया पाम वनस्पति सरसों ग्राउंड नट और ये सारे जो तेल हैं सन ऑयल हैं इसमें कैसा कारोबार देखा जाएगा, विस्तार से अगर आप इस चीज़ की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारा मॉर्निंग का 9:45 का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए। एक्सपर्ट द्वारा इस लाइव सेशन में आपको खातिर बाजार के पूरे मार्केट प्रोडिक्शन की जानकारी खुद दी जाती है। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें इसी वक्त कॉन्टैक्ट करना होगा। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।